नमस्कार दर्शक मित्रों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। रानीबाग में नीरज बवानिया गैंग के नाम पर रंगदारी, पुलिस ने धर दबोचा आरोपी को, देखिए यह वीडियो। क्राइम ब्रांच नॉर्थ रेंज एक ने एक कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया के नाम पर रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नितिन मनचंदा के रूप में हुई। दिल्ली क्राइम ब्रांच डीसीपी सतीश कुमार के अनुसार 11 सितंबर को शिकायतकर्ता नितेश गुप्ता को कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया के नाम पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का फोन आया। इसके बाद उन्हें 17-18 सितंबर को फिर से फोन आया। शिकायतकर्ता ने थाना रानीबाग दिल्ली में FIR दर्ज करवाई। आरोपी ने 5 लाख रुपए की मांग की और धमकी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो उसे या उसके परिवार के सदस्यों को जान से मार देगा। क्राइम ब्रांच की टीम को जघन्य मामलों में शामिल फरार वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम सौंपा गया। इसी कड़ी में टीम को गैंगस्टर नीरज बवानिया के नाम पर रंगदारी करने वाले वर्तमान आरोपी को पकड़ने का काम सौंपा गया। कॉल करने वाले ने विशेष रूप से हरियाणवी लहजे का इस्तेमाल किया था। उसका पता लगाने की प्रक्रिया जिसमें गुप्त सूत्रों को तैनात किया गया, तकनीकी निगरानी शुरू की गई। सब इंस्पेक्टर मनीष और हेड कांस्टेबल विकास डाबास द्वारा प्राप्त मैनुअल इनपुट के आधार पर कॉल करने वाले का नाम नितिन मजलिस पार्क आदर्श नगर के रूप में पहचाना गया और यह इनपुट भी मिला कि वह मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन दिल्ली के पास आएगा। इनपुट के आधार पर इंस्पेक्टर अजय शर्मा के नेतृत्व में ACP विवेक त्यागी के निकट पर्यवेक्षण में और समग्र निरीक्षण में एक टीम जिसमें SI मनीष, HC विकास डाबास, HC दिनेश राणा, HC नरेंद्र, HC रविंद्र और HC आजाद सिंह शामिल थे, उन्होंने उस स्थान पर छापा मारा जहां से आरोपी नितिन मनचंदा को पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी नितिन मनचंदा ने अमन मेकओवर आदर्श नगर दिल्ली के मालिक को भी फोन कर रंगदारी की मांग की थी, जिसके लिए अमन भल्ला द्वारा थाना आदर्श नगर दिल्ली में पहले ही शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। इसके अलावा आरोपी द्वारा रंगदारी के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड उसके घर से बरामद किए गए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।